हेलो दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2023 और 3 जनवरी 2023 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी आप उसे देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो इसका पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है ऑप्शन डी सतीश बालन को। अब जान लेते इसके बारे में। सोनीपत को प्रदेश की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है और सतीश बालन को इसका पहला कमिश्नर नियुक्त किया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पुलिस का, तो हाल ही में हरियाणा पुलिस को उसके दवज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हरियाणा सरकार रोहतक जिले में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करेगी और ये हरियाणा का पहला होगा जो रोहतक में स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में CM ने 9 जिले में राज्य की 20वीं जेल का उद्घाटन किया था और कुरुक्षेत्र जिले की जेल राज्य की पहली ऐसी जेल है जहां पर पेट्रोल और CNG पंप स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर IVF सेंटर बनाया गया है? तो ये IVF सेंटर बनाया गया है ऑप्शन ए पटौदा गांव में। अब जान लेते इसके बारे में। जज्जर के पटौदा गांव में पशुओं के लिए IVF सेंटर बनाया जा रहा वर्तमान में। यहां पर सीमन जेनेटिक जैसी सुविधाएं किसानों को उपलब्ध हो सकेगी अपने पशुओं के लिए। अब जिक्र हुआ था दोस्तों सेंटर या केंद्र का, तो हाल ही में हरियाणा का अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र मसूदपुर गांव गुरुग्राम में स्थापित किया गया है और सिरसा के गाँव पन्नीवाला मोटा में हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर स्थापित किया गया था। और फरीदाबाद के रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर भी स्थापित किया गया, यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कुरुक्षेत्र के रामनगर में देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन सेंटर भी स्थापित किया गया, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको सभी को नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने निगरानी समन्वय व प्रशासनिक सुधार विभाग का विलय करके कौन सा नया विभाग बनाया है? तो उस नए विभाग का नाम रखा गया है ऑप्शन ए सामान्य प्रशासन विभाग। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने निगरानी समन्वय व प्रशासनिक सुधार विभाग का विलय करके नया सामान्य प्रशासन विभाग बनाया है। और हरियाणा सरकार ने बहुत से विभागों का विलय किया है, जैसे हरियाणा SC/BC कल्याण व सामाजिक विभाग को मर्ज करके सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग बनाया गया है। और हरियाणा पर्यटन पुरातत्व संग्रहालय व अभिलेखागार विभाग का विलय करके धरोहर और पर्यटन विभाग का गठन किया गया है। और हाल ही में हरियाणा पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग का महानिदेशक S. Narayan को नियुक्त किया है, अभी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार कहां से कहां तक तीर्थाटन के रूप में विकसित करेगी? तो विकसित किया जाएगा ऑप्शन ए कालका से लेकर कलेसर तक को तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि कालका से कलेसर तक पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों पर्यटन क्षेत्र के रूप में, तो हरियाणा पर्यटन विभाग के बारे में जान लेते हैं। स्थापना थी 1 सितंबर 1974 को। 1 सितंबर को हरियाणा राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन मंत्री है कौरपाल गुज्जर वर्तमान में। और हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड मास्टर है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। और पर्यटन विभाग का चिन्ह है मोर। नेक्स्ट है, हरियाणा का खेल विभाग किसे सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य के खेल व युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने खेल विभाग से इस्तीफा दे दिया है, अब यह विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास रहेगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था खेल का,
राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी और सोनीपत के राय में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो सतीश बालन को। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर पशुओं के लिए आईवीएफ सेंटर बनाया गया है? तो पटौदा गांव जज्जर में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने निगरानी समन्वय व प्रशासनिक सुधार विभाग का विलय करके कौन सा नया विभाग बनाया है? तो उन तीनों विभाग को विलय करके नया नाम रखा गया समन्वय प्रशासन विभाग। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार कहां से कहां तक के क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में विकसित करेगी? तो कालका से लेकर कलेसर तक को। नेक्स्ट है, हरियाणा खेल विभाग किसे सौंपा गया है? तो वर्तमान में खेल विभाग ये सौंपा गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। अब साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिविजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, सन 1882 में लाहौर अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? तो रोहतक में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो झज्जर में है। नेक्स्ट है, किस नदी को हरियाणा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नदी है दोस्तों यमुना नदी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1971 में। नेक्स्ट है, हरियाणा की सर्वाधिक क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो रेतीली डूमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो यमुनानगर में, जबकि लाल मृदा पाई जाती है सिरसा में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पाई जाने वाली किस मृदा को हरियाणा में गर और कंधी कहा जाता है? तो गिरपादी मिट्टी को। नेक्स्ट है, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन था जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? तो राजा नाहर सिंह ने। अब साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हरियाणा सरकार ने राज्य के उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने के लिए चीनी के लिए किस ब्रांड को विकसित किया है? तो चीनी के लिए दोस्तों इक्सू ब्रांड को विकसित किया हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वॉलमार्ट द्वारा वॉलमार्ट वृद्धि इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है? तो इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया है ऑप्शन डी पानीपत जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के कितने पुलिस कर्मचारियों को वर्ष 2022 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक मिला है? तो ये मिला दोस्तों ऑप्शन सी 4 को, और किन किन को मिला है नाम भी जान लेते हैं। बसंत कुमार, योगेश कुमार, सुमन देवी और गोपाल चंद को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो सेंटर बनाया जाएगा ऑप्शन सी फरीदाबाद जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के अटेरना गांव में बनाए गए 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो इन पैक हाउस का उद्घाटन किया गया था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से हाउसिंग सोसाइटी योजना शुरू की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की गई है ऑप्शन डी पंचकुला जिले से। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में ई लाइब्रेरी परियोजना के अंतर्गत पहले फेज में कितनी ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन सी 1200 स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी पूजा ने 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कितनी ऊंची कूद लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 1.76 मीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा मॉडर्न पाइथन गेम्स का मानद महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका महासचिव नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी राजेश जोगपाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से आयुष्मान भारत अभियान 2 शुरू किया गया था? तो इस अभियान की शुरुआत की गई थी ऑप्शन डी 21 नवंबर 2022 से, और हरियाणा में 21 नवंबर 2022 से चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत भी की थी। ये भी आपको नोट कर लेना है मान्य सर से।
अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हरियाणा के किस जिले में हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के व्यापारियों के लिए डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा, तो इस डाकघर निर्यात केंद्र की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन है हिसार जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर प्रदेश का सबसे भव्य बस स्टैंड बनाया जाएगा, तो सिवाय गाँव पड़ता पानीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाया जाएगा, तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला तीनों स्थानों पर। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल पर संग्रहालय का शिलान्यास किया है, तो इसका शिलान्यास किया गया है यमुनानगर के लोहगढ़ में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्रीन बिल्डिंग लघु सचिवालय बनाया गया है, तो ऑप्शन बी चरखी दादरी में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में विश्व की सबसे बड़ी श्री भगवत गीता रखी जाएगी, तो रखी जाएगी दोस्तों ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र जिले के मंदिर में। और दोस्तों मैंने आपके लिए दिसंबर 2022 की हरियाणा करंट अफेयर की फुल वीडियो बना दी है विद पीडीएफ फाइल, और आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और अगर आपको 2022 की कंप्लीट की पीडीएफ फाइल चाहिए हरियाणा की, तो उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा रसलाइजेशन आयोग का पहला चेयरमैन किसे बनाया गया है, अगर आपको पता तो कमेंट करना है। और दोस्तों दिसंबर और पूरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।